नवाचार किया गया है ताकि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को और ज्यादा सुविधाएं मिल सकें। आमेर किला घूमने आने वाले पर्यटक हाथी सवारी के साथ साथ अब ई व्हीकल्स की भी सुविधा पर्यटकों को उपलब्ध करवाई गई है। इसका उद्घाटन मंत्री महेश जोशी ने किया। इस दौरान निदेशक पर्यटन डॉक्टर रश्मि शर्मा और निदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग डॉक्टर महेंद्र खड़गावत भी मौजूद रहे। जयपुर में पर्यटन को बढ़ावा और पर्यावरण और विरासत को बचाने के मकसद से ई फ्यूल ऑटोमोटिव्स की तरफ से एक पहल के रूप में आमेर फोर्ट में ई व्हीकल्स की शुरुआत की गई है। आमेर के हाथी स्टैंड से रोजाना दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ई व्हीकल्स की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राजस्थान में टूरिज्म के विकास की असीमित संभावनाएं हैं। बहुत बड़ा सेक्टर है टूरिज्म का राजस्थान में, लेकिन जितना है उतनी संभावनाएं और उससे ज़्यादा और। उसी प्रकार नवाचारों की भी संभावनाएं असीमित हैं, क्योंकि आजकल पर्यावरण की बात हो, प्रदूषण की बात हो, वन विभाग की बात हो, वन क्षेत्र की बात हो, सफाई स्वच्छता की बात हो, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही हम किसी चीज़ को प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये जो ई रिक्शा जो बैटरी से चलने वाले हैं, ये उन सभी मानकों का जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए उन पर खड़े उतरते हैं। मैं खुद अभी समय कराया, इतना आसान रहा आना भी, और पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पूरी दुनिया में ध्यान दिया जा रहा है, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट में और आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में दोनों ने मिलकर ये जो ई रिक्शा के नवाचार किया है, मैं उनको बधाई देता हूँ।